गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट साइंस क्लास। सो स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी डिस्कसिंग अबाउट द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट एंड व्हाई डज अ मैग्नेट रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू मेक अ मैग्नेट। अब मैग्नेट होती है, चुंबक होती है, उसे किस प्रकार बनाया जाता है। वी कैन मेक अवर ओन मैग्नेट यूजिंग थ्री सिंपल वेज। देखिए, हम अपने द्वारा मैग्नेट को बना सकते हैं सिंपल थ्री वेज को अपना कर। लेट अस स्टडी डैम वन बाय वन। तो चलो हम इनके बारे में पढ़ेंगे एक वन बाय वन करके। सो फर्स्ट मेथड इज सिंगल टच मेथड। टेक अ 3 इंचेस लॉन्ग आयरन नेल एंड अ बार मैग्नेट। आपको क्या लेना है, 3 इंच की आयरन की नेल मीन्स कील लेना है एंड बार मैग्नेट लेना है। ब्रिंग वन ऑफ द पोल ऑफ द मैग्नेट नियर वन एंड ऑफ द नेल एंड टच। आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस प्रकार डायग्राम में दिखाया गया है, ब्रिंग वन ऑफ द पोल, उसका चुंबक का एक पोल लेना है मैग्नेट को, उसे टच करना है। नियर वन और उसका जो दूसरा पोल लेना है, एंड ऑफ द नेल टच, उसको दूसरी जगह से टच करना है। मूव द मैग्नेट अलोंग द नेल टू द एंड, और उसको मूव, जो मैग्नेट है उसको इस प्रकार मूव करना है। देन रेज द मैग्नेट, ब्रिंग इट बैक टू द फर्स्ट एंड इन रिपीट द एक्शन, और वापस उसे वहीं लाकर उस एक्शन को बार बार रिपीट करना है। रिपीट दिस 3 to 40 times, और आपको इस प्रकार इसे 3 to 40 times रिपीट करना है, दोहराना है। ब्रिंग सम आयरन फीलिंग नियर द नेल टू चेक वेदर, उसके बाद क्या करना है, कुछ आयरन फीलिंग लेना है, आयरन की कील लेना है नियर द नेल, उसको क्या करना है, नेल के पास रखना है, कील के पास रखना है, टू चेक वेदर द नेल हैज टर्न इंटू अ मैग्नेट। आपको ये चेक करना है कि क्या जो नेल होती है वापस, मतलब जो कील होती है वापस मैग्नेट की तरफ आती है या नहीं आती। इफ नॉट रिपीट द एक्शन फॉर सम मोर नंबर्स ऑफ टाइम, यदि नहीं आती है तो आपको उसे इस बार बार रिपीट करना है ज्यादा ज्यादा मात्रा में। यूअर ऑन मैग्नेट इज रेडी, तो आपकी जो मैग्नेट हो जाएगी वो तैयार हो जाएगी। दिस मेथड ऑफ मेकिंग अ मैग्नेट इज कॉल्ड सिंगल टच मेथड। और मैग्नेट बनाने की इस मेथड को बोलते हैं हम सिंगल टच मेथड। ओके, सेकेंड मेथड इज डबल टच मेथड। इन दिस मेथड 2 बार मैग्नेट आर यूज टू स्ट्रोक द आयरन नेल। आपको क्या करना है, इस मेथड में 2 बार मैग्नेट लेना है और आयरन नेल लेना है। द नॉर्थ पोल ऑफ द वन, उसका जब चुंबक का जो नॉर्थ पोल रहता है, एंड द साउथ पोल ऑफ द अदर मैग्नेट, और चुंबक का जो दूसरी मैग्नेट का जो साउथ पोल रहता है, इज प्लेस्ड नियर द सेंटर ऑफ द नेल। आपको क्या करना है, उन दोनों को मीन्स जो नीचे वाले चुंबक है उसका नॉर्थ पोल लेना है, ऊपर वाले चुंबक का साउथ पोल लेना है, और बिल्कुल कील के सेंटर में रखना है। मूव बोथ द बार मैग्नेट अलोंग द नेल टू इट्स एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन। आपको क्या करना है, इन दोनों मैग्नेट को उनके उनके अपोजिट डायरेक्शन में इसे घुमाना है। रेस द बार्स, ब्रिंग देम ने अगेन टू मिडिल एंड रिपीट द एक्शन 3 to 40 times। इसे भी किस प्रकार करना है, हमें बार बार ऐसे घुमाना है और 3 to 40 times इसको दोहराना है। एज अ रिजल्ट द नेल विल बिकम अ मैग्नेट, और जो नेल है वो क्या बन जाएगी, मैग्नेट के रूप में रेडी हो जाएगी। थर्ड मेथड इज यूजिंग इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट का उपयोग करके भी हम मैग्नेट को तैयार कर सकते हैं। मैग्नेट्स मेड बाय दीज 2 methods आर नॉट वेरी पावरफुल। देखिए, चुंबक बनाने की जो हमने 2 methods ऊपर पढ़ी है, ज्यादा पावरफुल नहीं है। हियर इज अनदर मेथड ऑफ मेकिंग मोर पावरफुल मैग्नेट। यदि हमें बहुत ज्यादा पावरफुल मैग्नेट बनाना है फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज, किसी भी इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, तो हम इलेक्ट्रिक करेंट के द्वारा सहायता से इन्हें बना सकते हैं। टेक सम आयरन नेल, आपको क्या करना है, लोहे की कील लेना है। विंड कॉपर वायर टाइटली अराउंड, उसके आसपास क्या करना है आपको, बिल्कुल कॉपर वायर एकदम टाइट उसके ऊपर बांध देना है, उस नेल के ऊपर, कील के ऊपर। कनेक्ट द बोथ एंड ऑफ द वायर फॉर अ बैटरी, और आपको उस दोनों वायर को बैटरी से कनेक्ट करना है। ब्रिंग सम आयरन फीलिंग नियर द नेल, और आपको क्या करना है, कुछ आयरन की फीलिंग लेना है जो उसी नेल के पास वापस लेके जाना है जिसको हमने इसको कवर किया उसको। यू विल ऑब्जर्व दैट दिस नेल विल अट्रैक्ट आयरन फीलिंग, तो आप देखेंगे कि ऑब्जर्व करेंगे कि जो आयरन नेल है जिसको हमने कवर किया है वो कुछ फीलिंग, आयरन फीलिंग को अपने तरफ कनेक्ट करती है, अट्रैक्ट करती है। दी इलेक्ट्रिक करेंट इज पास थ्रू इट, और उनमें इलेक्ट्रिक करेंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा। इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, और यही व्यवहार मैग्नेट का दर्शाता है
अंडर द इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रिक करेंट के अंदर। सच अ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसी प्रकार के इस मैग्नेट को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। एन इलेक्ट्रिक बेल हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जो इलेक्ट्रिक बेल होती है जो हमारे घरों में हम डोर पे लगाते हैं इलेक्ट्रिक बॉल, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की बनी हुई होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर आल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स। और उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज हम इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी करते हैं। एंड स्क्रैप्राइड्स टू सेपरेट आयरन फ्रॉम अदर मेटल्स। उसके अलावा किसी भी दूसरे मेटल्स को आयरन से अलग करने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ मैग्नेट। अब मैग्नेट का यूज किस प्रकार कर कहाँ कहाँ करते हैं हम। मैग्नेट इज यूज फॉर वेरियस पर्पज। सम ऑफ दिस आर एज फॉलोज। मैग्नेट का यूज हम बहुत सारी चीजों के लिए करते हैं, लेकिन कुछ यहाँ नीचे हमें बताई गई है, जैसे टू सेपरेट आयरन मटेरियल एंड स्क्रैप इन इंडस्ट्रीज। देखिए, कभी भी किसी आयरन मटेरियल्स को अलग करने के लिए, उनको रगड़ने के लिए, अलग अलग करने के लिए इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है मैग्नेट का। सेकेंड, इन रेफ्रिजरेटर स्टोर्स, पेंसिल बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स, ड्रॉर्स एट्सेट्रा टू इंश्योर प्रॉपर लाइट एंड जेंटल क्लोजर। इसके अलावा जो हमारे रेफ्रिजरेटर के डोर्स होते हैं, यदि देखा होगा आपने, जब हम उस डोर को छोड़ते हैं एकदम से तो वो सीधा बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि ताकि उसमें मैग्नेट लगा रहता है, वो उसको अट्रैक्ट करता है। पेंसिल बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स, ड्रॉर्स, इन सब में क्या होता है, मैग्नेट का यूज किया जाता है। इन इलेक्ट्रिक मोटर, फैन, मिक्सर एंड इलेक्ट्रिक बेल्स, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक मैग्नेट का यूज किया जाता है। इन इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में भी मैग्नेट का यूज किया जाता है। इन स्पीकर्स ऑफ म्यूजिक सिस्टम, टेलीविजन एक्सेट्रा, इनके अंदर भी मैग्नेट का यूज किया जाता है। बाय डॉक्टर्स टू पुल आउट आयरन स्प्लिंट्स फ्रॉम बॉडी ऑर्गन। और हमारे बॉडी में से जो भी आयरन के कुछ वो थिंग चली जाती है, कोई मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, तो डॉक्टर उसे भी खींचने के लिए मैग्नेट का ही यूज करते हैं। इन सीडी, वीडियो, टेप एंड ऑडियो कैसेट टू रिकॉर्ड सिग्नल्स। इसके अलावा जो सीडी होती है हमारी, जो वीडियो टेप्स होते हैं, ऑडियो कैसेट होती है, और जो रिकॉर्ड सिग्नल्स होते हैं, सभी के लिए भी क्या होता है, मैग्नेट का ही यूज किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट, इन एटीएम कार्ड्स एज मैग्नेटिक स्ट्रिप्स। अब जो एटीएम कार्ड होता है उसके ऊपर ये मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है, मैग्नेट की लगी होती है। नाउ अ डेज मैग्नेटिक स्ट्रिप्स आर बीइंग रिप्लेस्ड विथ कंप्यूटर चिप बाय मोस्ट ऑफ द बैंक्स। और आज के समय में इन जो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है कंप्यूटर चिप पर मोस्ट ऑफ द अधिकतर बैंक के द्वारा। ओके, स्टोरिंग ऑफ मैग्नेट्स। अब मैग्नेट की स्टोरिंग किस प्रकार कर सकते हैं, उसको सुरक्षित तरीके किस प्रकार रख सकते हैं हम। मैग्नेट्स लोज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इफ नॉट हैंडल प्रॉपरली। यदि चुंबक को हम अच्छे से नहीं रखेंगे, उसकी अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे, तो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो उसका मैग्नेटिक गुण है, वो पूर्ण रूप से खत्म कर देगा, खत्म हो जाएगा। द वेरियस रीजंस ड्यू टू विच अ मैग्नेट कैन लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर। और कुछ कुछ रीजंस यहाँ बताए गए हैं कि किन किन के द्वारा मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खत्म कर सकते हैं। हैमरिंग अ मैग्नेट, यदि हम मैग्नेट पे ज्यादा हथौड़ी रख देंगे या हथौड़ी से मारेंगे तो भी अपना वो चुंबकीय गुण खो देगा। हीटिंग अ मैग्नेट टू अ हाई टेम्परेचर, यदि हाई टेम्परेचर पे हमने उसको मैग्नेट को गर्म किया तो भी अपना वो गुण खत्म कर देगा मैग्नेट वाला। ड्रॉपिंग अ मैग्नेट फ्रॉम अ हाइट रेपिडेटली, और यदि हम मैग्नेट को ज्यादा ऊपर से फेंकेंगे, हाइट से फेंकेंगे, तो भी वो अपना चुंबकीय गुण खत्म कर देगा। कीपिंग अ मैग्नेट क्लोज टू द मैग्नेटिक मीडिया, और देखिए जो कीपिंग जो मैग्नेट होती है उसको मैग्नेटिक मीडिया से कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड कंप्यूटर, इससे क्या रखना है, बिल्कुल क्लोज नहीं रखना है। परमानेंट मैग्नेट्स ऑल्सो टेंड टू बिकम वीकर। देखिए जो परमानेंट मैग्नेट होती है वो क्या होता है, बिकम वीकर आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद वो बहुत कमजोर हो जाती है। इफ देयर पोल्स आर लेफ्ट फ्री, क्योंकि उसके जो पोल्स होते हैं, जो ध्रुव होते हैं, वो क्या होते हैं, एकदम फ्री हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। टू रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बनाए रखने के लिए, परमानेंट बार मैग्नेट्स आर स्टोर बिटवीन सॉफ्ट आयरन पीस कॉल्ड मैग्नेटिक कीपर्स। तो उसे हम कहाँ रखते हैं, उस बार मैग्नेट को बिल्कुल सॉफ्ट आयरन जो पीस रहते हैं, आयरन के टुकड़े रहते हैं, उसमें रखते हैं, जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक कीपर्स बोलते हैं जिसे। अब मैग्नेटिक कीपर्स कॉन्सिस्ट ऑफ अ वुडन पीस। अब देखिए जो मैग्नेटिक कॉपर कीपर होता है वो किससे बना होता है,
लकड़ी के टुकड़ों का बना होता है विद टू मैग्नेट, जिसके आसपास दो मैग्नेट लगे हुए होते हैं एंड ऑन इट्स टू साइड, उसके दोनों तरफ, एंड विद द अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, और उसके अपोजिट में अनलाइक पोल होते हैं। यदि इस साइड नॉर्थ है तो इस साइड साउथ रहेगा, तो हम उसको अपोजिट साइड में रखेंगे। मैग्नेट्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन पेयर्स एंड केप्ड इन अपोजिट, और जो मैग्नेट चुंबक होती है उसे हमें जोड़े में रखते हैं और अपोजिट साइड में रखते हैं। पोजिशंस हाउ एवर वन पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन इज सफिशियंट टू स्टोर अ हॉर्स शू मैग्नेट, और इसको रखने के लिए वन पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन, एक सॉफ्ट आयरन का एक पीस भी चल जाएगा, सफिशियंट होता है टू स्टोर अ हॉर्स शू मैग्नेट। जो हॉर्स शू मैग्नेट होते हैं उसे रखने के लिए भी केवल आयरन का एक टुकड़ा ही बहुत सफिशियंट होता है। नाउ नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट नंबर इज आयरन, निकल एंड कोबाल्ट आर, आयरन, निकल और कोबाल्ट है इंसुलेटिंग, मैग्नेटिंग, नॉन मैग्नेटिंग या नॉन ऑफ दिस, तो आंसर इज मैग्नेटिंग। ओके, सेकेंड, डेज ऑफ अ मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, जो हमेशा पेयर से नहीं रहते हैं, कॉर्नर्स, पोल्स, कलर्स, बार, सो आंसर इज पोल्स, पेयर्स में ही रहते हैं हमेशा। थर्ड, डेज इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन, डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंपास, नीडल, डिवाइडर, नॉन ऑफ दिस, सो आंसर इज कंपास। फोर्थ, यू कैन मैग्नेटाइज अ मटेरियल यूजिंग मेथड, हम किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए किसका यूज करते हैं, सिंगल टच, डबल टच, बोथ, मतलब सिंगल टच डबल टच दोनों, या नॉन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं, सो आंसर इज सी, ए और पी, सिंगल टच भी करते हैं और डबल टच भी करते हैं। फिफ्थ, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट एज इज एट द, देखिए जो मैग्नेट होती है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है, पोल्स, सेंटर, ए और बी, या नॉन ऑफ दी, सो आंसर इज पोल से होती है, सबसे ज्यादा उसकी जो स्ट्रेंथ होती है पोल्स में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स, द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर द, क्या बोलते हैं जो टू पोल्स होते हैं मैग्नेट को, उसे बोलते हैं नॉर्थ, एक होता है नॉर्थ एंड सेकेंड पोल इज साउथ, एस ओ यू टी एस, साउथ। ओके, सेकेंड, डेज इज अ शॉर्ट टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म, तो हमें यदि मैग्नेटिज्म का पता लगाना है तो हम किसके द्वारा कर सकते हैं, रिपल्सन, आर ई पी यू एल एस आई ओ एन, रिपल्सन। थर्ड, द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय, इसमें आएगा सेपरेटेड, ए सी पी ए आर ए टी ई डी, है ना, हम मैग्नेट के दो पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फोर्थ, द अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेट ड्यू टू आयरन कोर, आई आर ओ एन, आयरन कोर एट इट्स सेंटर। फिफ्थ, मैग्नेट्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन पेयर्स एंड केप्ड इन, जो मैग्नेट्स होती है उसे हमें पेयर्स में रखते हैं हमेशा, और किस पोजिशन में रखते हैं, उसके अपोजिट पोजिशन में, ओ डबल पी ओ एस आई TE. So student, that's all for now. In next class, we were discussing about next chapter. Have a nice day.